देश में कैंसर का इलाज अब अधिक कारगर और सस्ता होगा। वे दिन दूर नहीं जब भारतीयों को कैंसर के इलाज के लिए विदेश की महंगी दवा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिकों ने ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज तथा खाद्य निर्माण क्षेत्र में उपयोगी एंजाइम की खोज की है। हिमाचल में हिमालय पर्वत श्रृंखला में हिमाचल के हिमालय पर्वत श्रृंखला में एल एस्पोरिजिनेस नामक एंजाइम मिला है। ये एंजाइम 4500 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर में मौजूद बैक्टीरिया में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने लगभग 600 विभिन्न बैक्टीरियों पर शोध के बाद इस एंजाइम की सत्यता को परखा है। वैज्ञानिकों ने लंबे शोध के बाद पाया है कि ग्लेशियरों में मौजूद बैक्टीरिया खुद को मौसम के अनुकूल आसानी से ढाल लेते हैं। इन बैक्टीरिया में कुशल एवं ग्लूटामिनेज रहित एंजाइम एल एस्पोरिजिनेस पाया जाता है। उच्च ग्लूकोटाइज रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। सरकार की मंजूरी के बाद यदि दवा उद्योग इस एंजाइम का प्रयोग करता है तो लोगों को कैंसर की सस्ती दवा उपलब्ध हो सकेगी। भारत में एंजाइम आयात किए जाते हैं, इनकी कीमत भी करोड़ों में होती है। इस कारण दवा बनाने में एंजाइम इस्तेमाल होने से इलाज महंगा हो जाता है। गौरतलब है कि एल एस्पोरिजिनेस एंजाइम खासकर बच्चों के ब्लड कैंसर ALL के इलाज के लिए महत्वपूर्ण है। ये ब्लड कैंसर के लिए बनने वाली दवा के लिए अहम योगदान अदा करता है। ये एंजाइम खाद्य निर्माण क्षेत्र में स्टार्च व शुगर से बने कैंसर कारक नामक रसायन पदार्थ की मात्रा को कम करने में सहायक होता है। CSIR IHBT पालमपुर के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि बैक्टीरिया पर शोध का सार्थक परिणाम मिला है। फ्राई करने के दौरान खाद्य उत्पादों में एल्कलामाइट का गठन हो जाता है। ये पदार्थ चीनी और एमिनो एसिड द्वारा उच्च तापमान पर उत्पादित होता है, जो आलू तथा स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। भोजन में एल्कलामाइट कैंसर का कारक है। हमारे वैज्ञानिक एल एस्पोरिजिनेस एंजाइम के खाद्य निर्माण क्षेत्र और दवा उद्योग में उपयोगिता पर कार्य कर रहे हैं। एल एस्पोरिजिनेस एंजाइम खासकर बच्चों के ब्लड कैंसर, एक्यूट लिपोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी कि ALL के इलाज के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व स्तर पर एल एस्पोरिजिनेस एंजाइम की खोज अपनी तरह की पहली खोज है, जिसमें एस्पोरिजिनेस एक्टिविटी और ग्लूटामिनेज एक्टिविटी नहीं है। कि हिमालय में जो डाइवर्सिटी है और जो विविधता है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस हिमालय विविधता को अभी तक इस तरीके से प्रयोग नहीं लाया गया जिससे कि हम इसको इससे इकोनॉमी जनरेट कर सकें। हमारे संस्थान का एक प्रयास था कि यहाँ की जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है या जो माइक्रोबियल विविधता है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। हमने ये महसूस किया कि एक आजकल बड़ी दिक्कत है कि जब भी हम आलू को फ्राई करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों को फ्राई करते हैं तो इसमें एक्रिलामाइड डेवलप होता है। एक्रिलामाइड जो डेवलप होता है, इसकी वजह ये होती है कि आलुओं में जब भी हम फ्राई करते हैं तो एक अमीनो एसिड होता है जिसको हम एस्पारजीन कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है और हाई टेम्परेचर पे, जो फ्राइंग टेम्परेचर है उस पर ये एक्रिलामाइड बनाता है। तो हमने कहा कि इस एक्रिलामाइड को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि एक्रिलामाइड एक न्यूरोटॉक्सिन है, साथ ही साथ एक्रिलामाइड एक कार्सिनोजन भी है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम एस्पारजिनेज नाम का एंजाइम अगर हम एक निकाल लें, जिससे कि हम अगर हम पहले आलुओं को उससे ट्रीट करें फ्राई करने से पहले, तो एस्पारजीन अलग हो जाएगा और आलुओं में एक्रिलामाइड नहीं बनेगा। तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने माइक्रोब से सफलतापूर्वक एक बड़ा अच्छा एंजाइम एस्पारजिनेज ढूंढ के निकाला है। और ये एस्पारजिनेज एस्पारजीन को ख़त्म कर देता है, जिससे जब आप आलू को फ्राई करें तो उसके अंदर एक्रिलामाइड नहीं बनता। दूसरा, इस एस्पारजिनेज एंजाइम की उपयोगिता कई किस्म के कैंसर को ठीक करने में भी है, लेकिन अभी तक मार्केट में जितने एस्पारजीन उपलब्ध थे उनमें दिक्कत थी कि उस एस्पारजिनेज में एक एक्टिविटी और होती है जिसको हम ग्लूटामिनेज एक्टिविटी कहते हैं। तो हम ये चाहते थे कि हमारे पास एक ऐसा एंजाइम हो जिसमें सिर्फ एस्पारजिनेज एक्टिविटी हो और ग्लूटामिनेज एक्टिविटी ना हो। तो हमारे वैज्ञानिकों ने माइक्रोब से ही एक ऐसा एस्पारजिनेज ढूंढ निकाला है
जिसमें एस्पारजिनेज एक्टिविटी तो है लेकिन ग्लूटामेज एक्टिविटी नहीं है। अतः विश्व स्तर पे आप कह सकते हैं कि ये बड़ा अभूतपूर्व एंजाइम है जो हमारे वैज्ञानिकों के हाथ लगा है, और इस समय हम इस एंजाइम को फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए पोजीशन कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे जब भी फ्राइड कोई चीज़ खाएं या हम बड़े भी कोई फ्राइड चीज़ खाएं आलू की, तो कम से कम हम में से किसी को भी एक्रिलामाइड ना खाना पड़े, जो अपने आप स्वतः ही बनता है, जो कि न्यूरोटॉक्सिन होता है और कार्सिनोजेनिक होता है। साथ ही साथ कैंसर ट्रीटमेंट में इस एंजाइम की बहुत ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ग्लूटामिनेज एक्टिविटी एक ना के बराबर है। चल रहा था कई जगह, लेकिन ऐसा किसी के पास एंजाइम नहीं था जिसमें एस्पारजिनेज के साथ साथ ग्लूटामिनेज एक्टिविटी ना हो। तो ये आप कह सकते हैं कि ये हमारी पहली किस्म की ऐसी खोज है विश्व स्तर पर, जिसमें सिर्फ एस्पारजिनेज एक्टिविटी है और ग्लूटामिनेज एक्टिविटी नहीं है।